हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर फार्मा। आज हम सभी डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर वन, ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई वेरियस ग्लासवेयर यूज्ड इन फार्मास्यूटिक्स लैब। जो भी डिफरेंट प्रकार के जो ग्लासवेयर होते हैं उनको हम फार्मास्यूटिक्स लैब में इस्तेमाल करते हैं। आप सभी लोग नए हैं तो आप सभी लोगों को ये नहीं पता है कि जो ग्लासवेयर है उनका यूज कैसे करते हैं, उनका नाम क्या है। तो आज सभी ग्लासवेयर के बारे में स्टडी करेंगे और उनको पहचानेंगे कि इस ग्लासवेयर का नाम क्या है और इसका यूज क्या है। चलिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है। कोनिकल फ्लास्क, फनेल, पीपे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मोर्टार एंड पेस्टल, स्पैचुला, बीकर, ग्लास रॉड, ट्राइपॉड स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, मेजरिंग सिलेंडर, चाइना डिश और तमाम प्रकार के ग्लासवेयर होते हैं। लेकिन इसमें जो मेंशन किया गया है, लगभग जो भी फार्मास्यूटिकल लैब में ग्लासवेयर यूज किए जाते हैं उन्हीं का यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी और सारे ग्लासवेयर फार्मास्यूटिकल लैब में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हमें इस सब्जेक्ट में इतना ही पढ़ना है। तो जो इसमें मेंशन किया गया है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी ग्लासवेयर इसमें मेंशन किया गया है, इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कौन सा ग्लासवेयर है, उनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज करते हैं और उसका नाम क्या है। चलिए आइए हम एक एक चीज को हम देखते हैं और पहचानते हैं क्या है और आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक ग्लासवेयर के बारे में हम सभी डिस्कस करेंगे, उसका नाम क्या होता है और उसका यूज कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये हमारा है कोनिकल फ्लास्क, जो कि 100 ml का भी होता है, 150 ml का, 200 ml का, 250 ml का, 500 ml का। इनकी जो मेजरिंग होता है ये लगभग अप्रॉक्स में होता है। ऐसा नहीं कि 100 ml है तो इसमें 100 ml ही आएगा, अप्रॉक्स इसमें 90 ml भी आता है, आ सकता है, या 110 ml भी आता है, लेकिन ये कैलिब्रेट नहीं है। तो इसका क्या नाम है, कोनिकल फ्लास्क। इसका हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिक्स में, किसी भी सोल्यूशन को इसमें ट्रांसफर करना है, इसको इसमें डाल कर इसको सेक करना है, या हम कह सकते हैं कि इसको हम इसमें रख करके और किसी भी चीज़ को हम इसमें आराम से फिल्टर कर लेंगे। तो जो कोनिकल फ्लास्क का जो हम यूज़ करते हैं, किसी भी सोल्यूशन को और कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इसमें डाल करके हम उसको अच्छे से हम मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मिक्सिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ये जो कोनिकल फ्लास्क होता है, ये कई जगहों में इतने भी लैब होते हैं, हर लैब में इनका अलग अलग रोल होता है। तो अब फिलहाल आपको इसको नाम याद रखना होगा, इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क। नेक्स्ट हमारा है फनल। ये हमारा है फनल, इसको आप देखिए गांव में लोग बोलते हैं कुप्पी। ये फनल है, इसका रोल क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन को इसके माध्यम से किसी और ग्लासवेयर में ट्रांसफर करना। जैसे अभी मान लीजिए ये है, इसमें हमने पानी डाल लिया और हमें इसको यहाँ ट्रांसफर करना है, गिर सकता है, या मान लीजिए इसको इससे इसमें सोल्यूशन है और हमें इसमें डालना है तो ये बाहर गिर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हमने इसको यहाँ पर लगाया और हमने यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर, और आराम से ये आपका जो सोल्यूशन है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो मीन्स ये जो हमारा जो आप देख रहे ग्लासवेयर, इसका नाम क्या है, फनल। दूसरा हमारा है पीपेट। ये है पीपेट। पीपेट रोल क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट को यदि आपको लेना है 1 ml, 2 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, तो इसके माध्यम से हम कोई किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी सॉल्वेंट को हम ले करके किसी कहीं पर जो हमें डालना होगा वहां पर उसको हम प्लेस कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये हमारा सोल्यूशन है और हमें लेना है, तो हम ये हमारा बल्ब है, तो बल्ब के माध्यम से इसको हल्का से हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसको हमने प्रेस किया और यहाँ डाल दिया और हमने इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो इसमें जो भी है वो आपके पिपेट में सॉल्वेंट आ जाएगा और बाद में इसको हम कहीं और भी इसको ले सकते हैं। ओके, तो मीन्स इसके माध्यम से 1 ml, 2 ml, 3 ml मेजर करके किसी भी सॉल्वेंट को हम किसी और ग्लासवेयर में ले सकते हैं। इसका नाम क्या है, ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम है पिपेट। क्योंकि ये जो ग्लासवेयर हैं इनका इस्तेमाल कहीं पर भी हो सकता है, अलग अलग सबका रोल है,
लेकिन बात यह है कि नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लैब होती हैं हर सारे लैब में आपको ये मिलेगा, लेकिन नाम तो आपको एक ही होगा। इसका नाम अगर बात करें फिजिक्स में तो नाम आपका रिपीट होगा, केमिस्ट्री में नाम रिपीट होगा, किसी भी आप लैब में काम करें तो नाम क्या इसका रिपीट होगा, लेकिन रोल इनके अलग हो सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स में अलग होगा, केमिस्ट्री में अलग होगा, लेकिन नाम तो आपको याद रखना होगा, जिसका नाम पिपेट है। चलिए आगे देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये है हमारा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसमें क्या होता है, ध्यान से आप देख लें, इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और ऊपर लगा होता है क्लोजर। इसमें किसी भी सॉल्वेंट को हम इसमें डालकर, किसी भी सोल्यूशन को उसमें रख करके हम 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 3 दिन इसमें आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और रख कर इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको रख देंगे ताकि कोई भी हमारा जो सोल्यूशन है वो खराब ना हो। मैं मान लीजिए इसमें रख दिया सोल्यूशन को और कहीं ऐसे मान लो गिर गया कि पूरा हमारा सॉल्वेंट खराब हो जाएगा लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप इसको पलट भी देंगे तो देखिए आपका सॉल्वेंट गिरेगा नहीं, ऐसे गिर गया मान लो तभी सॉल्वेंट आपका गिरेगा नहीं। तो किसी भी सॉल्वेंट को इसमें स्टोर करके इसको हम रख सकते हैं। लगाने का तरीका है आप ये है, इसको आप ऐसे डालिए और आप दाईं ओर उसको आप खींच लीजिए और ये टाइट हो जाएगा। खोलना है तो आपको बाईं ओर ऐसे इधर को आप ऐसे कर लीजिए, खुल जाएगा, ना कि उल्टा। अगर आप क्लॉक वाइज करते हैं इसका मतलब ये कि लॉक हो रहा है, और एंटी क्लॉक मीन्स ये क्या हो रहा है, ओपन खुल रहा है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, मेन इसका रोल जो होता है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होता है। किसी भी रिएजेंट को बनाते हैं, किसी भी बनाते हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट को, उसमें स्टोर करके उसको हम रख देते हैं। जो बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं इसमें स्टोर करके उसको हम रख देते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोर्टार एंड पेस्टल। ये हमारा है मोर्टार एंड पेस्टल। इसका काम क्या होता है, किसी भी टैबलेट को, किसी भी ग्रेनुल्स को उसमें रख करके उसका हम बनाते हैं पाउडर, ऐसे इसमें डाल करके उसको ऐसे हम जो है इसका करेंगे तो क्या हो जाता है, ये हमारा टैबलेट होता है, जो ग्रेनुल्स होता है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और मिक्स कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, मोर्टार एंड पेस्टल। नेक्स्ट कहते हैं स्पैचुला। ये है स्पैचुला, ध्यान से देख लें, हम लोग गाँव में लगभग कहते हैं चम्मच, लेकिन इससे क्या बोलते हैं हम स्पैचुला। इसके माध्यम से किसी भी केमिकल को, कोई केमिकल है डब्बे में रखा है उससे हमें लेना है, हमें कोई टेस्टिंग करना है, तो इसके माध्यम से हम केमिकल को निकालेंगे, ना कि हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिकल है, रिएक्शन कर सकता है। इसके माध्यम से हम केमिकल को निकालेंगे, वे करेंगे, वे करने बाद स्पैचुला को वाश करेंगे और देन इसको हम रख देंगे। इसका नाम क्या है, स्पैचुला। आगे चलते हैं ग्लास रॉड। ये है ग्लास रॉड, ध्यान से आप देख सकते हैं ग्लास रॉड। इसका काम क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यदि आपस में मिक्स करना है तो इसके माध्यम से, इसके द्वारा हम उसको मिक्सिंग करते हैं। जैसे हमने इसमें डाल दिया सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मीन पानी और चीनी को हमने डाल दिया और ये घुल नहीं रहा, तो इसके माध्यम से ऐसे करके इसको हम सेक कर लेंगे, घोल लेंगे और मार्क्स आराम से घुल जाएगा। तो इसका नाम क्या है, ग्लास रॉड। काफी लोग पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्लास रॉड नहीं होता है तो, लेकिन इसका नाम ग्लास रॉड है और इसके मदद से हम किसी भी सोल्यूशन को हम मिक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका बीकर। ये है हमारा बीकर, छोटा सा भी है, ये हमारा छोटा सा है, ये 80 ml का है, 20 ml का भी होता है, 50 ml का, 100 ml का, 200 ml का, 500 ml का, 100 ml का, 1000 ml का, तो सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, कैपेसिटी होती है। तो ये हमारा जो है वो 80 ml का है। ये जो बीकर होता है इसमें हम सॉल्वेंट को स्टोर कर रख लेते हैं और इसके माध्यम से हम सोल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं, तमाम उपयोग में आता है, जिसका नाम क्या है, बीकर। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ये है कि तीन पैर है, तीन क्या बड़ा, ट्राई, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ट्राइपॉड स्टैंड। इसका यूज क्या होता है, जब कभी भी हम, वैसे हमारे फिजिक्स में बहुत कम काम होती है, यूज होता है केमिस्ट्री में काम होता है, उसमें क्या होता है कि इसको हम रखते हैं और उसके नीचे लगाते हैं बर्नर, और बर्नर लगाने के बाद ऊपर हम वाटर बाथ जो होता है, जैसे होती है कटोरी उस टाइप में ऊपर होता है रख करके, और हम इसको हम किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी सॉल्वेंट को हम गर्म कर लेते हैं। तो इसका तमाम रोल होता है, इसका नाम क्या है आपका, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड मदद से हम तमाम सारे कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये हमारा है टेस्ट ट्यूब होल्डर।
इसका रोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसे क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, इसको हमने यहाँ पर फंसा करके और यहाँ से इसको हमने इसको लॉक कर लिया। अब देखो ये लॉक हो गया, अब आराम से कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें हमने साबुन डाला और यहाँ पर रख दिया हमने बर्नर में, अभी हीट हो रहा है, हीट से क्या होता है कि ये पूरी जो हमारी टेस्ट ट्यूब है हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इसके माध्यम से इसको हम पकड़ते हैं ताकि हमारा हाथ जले ना। इसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए टेस्ट ट्यूब होल्डर। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, ये है हमारा मेजरिंग सिलेंडर, इसमें किसी भी सॉल्वेंट को मेजर करते हैं। अगर आपको 50 मिल लेना है, 100 मिल लेना है, 500 मिल लेना है, 300 मिल लेना है, अगर ये हमारा 50 मिल का है, तो किसी भी सॉल्यूशन को अगर आपको 50 मिल लेना है तो आप इसमें माप करके चेक करके आप इसको हम किसी भी सॉल्वेंट को ले सकते हैं। ध्यान रहे कभी भी किसी भी सॉल्वेंट को हमें लेना है 20 ml 50 ml तो मेजरिंग सिलेंडर से नाप कर ही हमें लेना है। ऐसा नहीं कि बीकर में लिखा है 50 ml तो फिर आप बीकर से माप कर लेंगे, बिल्कुल वो गलत है, वो सही नहीं है। हमेशा यदि किसी भी सॉल्वेंट को हमें लेना है तो मेजरिंग सिलेंडर से ही माप कर लेना है, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर लगभग एक्यूरेट होता है इन कंपेरिजन कॉन्कव फ्लास्क बीकर। तो किसी भी सॉल्वेंट को हम लेंगे तो हम मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करके तभी हम लेंगे। ओके, इसका नाम क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। लास्ट हमारा है चाइना डिश, ये हमारी चाइना डिश है, ये चाइना डिश है, ये भी हमारी फार्मास्यूटिकल लैब में हमारी केमिस्ट्री में यूज की जाती है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये है चाइना डिश। ओके, तो ये सारे ग्लासवेयर हैं जो हम फार्मास्यूटिकल लैब में हम इस्तेमाल करते हैं, लगभग 80% ग्लासवेयर हम आपको बता दिए हैं, बाकी और सारे ग्लासवेयर होते हैं। फिलहाल हमें जो यूज़ करना होता है डिफार्मा फर्शियल में फार्मास्यूटिकल लैब में, ये सारे ग्लासवेयर का हमें इस्तेमाल होता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर वन है, ऑब्जेक्ट नंबर वन है, बाकी और जितने जो भी ऑब्जेक्ट होंगे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो इन सभी ग्लासवेयर का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं थ्योरी, थ्योरी हमें क्या लिखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें फिगर ड्रा किया गया है, इसमें से आप देख करके आप अपने कॉपी में ड्रा कर सकते हैं और इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सबसे पहला इसमें दिया गया है कॉन्कव फ्लास्क, दूसरा है फनल, देन है ग्लास रॉड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, मोर्टर एंड पेस्टल, स्पैचुला, बीकर, पीपेट, ट्राइपॉड स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, चाइना डिस्क और देन रिजल्ट।